इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें गिरती है ना यहाँ से, और मेरे को लगता है ये वाला लैंडस्लाइड जो है ना ये होता ही रहेगा। ओ भाई, अब देखो आप बियर ग्रिल्स संजय चौहान कैसे चलता है। बरसात के पानी से वाटरफॉल बन गया है, और इस पानी ने ना यहाँ से वहां आगे तक पूरा रोड भर दिया है, यहाँ से पूरी ये सड़क चली गई है। खुशी नहीं होती तेरे को? खुशी नहीं होती तेरे को? किस बात की? मतलब लोग बोलते हैं तू और मैं दिखते हैं एक जैसे। सो हे गाइस, दिस इज संजय चौहान, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों अभी सोकर उठा हूँ, रात को देर तक मैं एडिटिंग कर रहा था और देर को सोया हूँ, और सुबह मैं जल्दी से इसलिए उठ गया क्योंकि मेरे को बारिश की आवाज बहुत जोर से आ रही थी। यहाँ देखो मतलब बहुत ही खतरनाक बारिश हो रही थी, सुबह तो और भी ज्यादा हो रही थी, अभी तो थोड़ी कम हो गई है ना जी। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। और एक चीज दोस्तों, यहाँ पे जिस आवाज बहुत ही ज्यादा डेंजरस आ रही थी, ये लैंडस्लाइड हो रहा है यहाँ पे। जिस दिन बारिश हो रही हो ना, उस दिन रात को यहाँ से बहुत ज्यादा मलबा गिरता है, चट्टाने मिट्टी सब कुछ गिरता है, और जब ये लैंडस्लाइड गिरता है तो बहुत जोर से आवाज आती है, फिर से नींद खुल जाती है। तो हाँ भाई, ढंग से सो नहीं पाया इस बार, और मतलब ठंड तो बढ़ती ही जा रही है, दिन ब दिन कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। और दोस्तों मैंने आज सोचा था कि मैं आज घर पे ही रहूंगा, पर क्या पता कल इससे भी ज्यादा मौसम खराब हो जाए, तो फिर मेरी कॉलेज में और ज्यादा अब्सेंट्स हो जाएगी। अब इस खराब मौसम की वजह से ना मेरे को लगता है मेरे को अभी के अभी कॉलेज के लिए निकलना होगा, क्योंकि आज फिर भी मौसम ऐसा है कि मैं जा सकता हूँ, पर क्या पता कल इससे भी बहुत ज्यादा खराब मौसम हो जाए और स्नो पड़ जाए, फिर तो मैं यहीं पे फंस जाऊंगा और मेरी अब्सेंट्स हो जाएगी। इस करके मैंने डिसाइड किया कि मैं मतलब आज चले ही जाता हूँ। और एक दिक्कत ये आ गई है कि मम्मी ने मेरे सारे कपड़े धो दिए, इंक्लूडिंग माई शूज, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये गीले हैं, और अब मेरे को आज ही जाना है, बट ये भीग चुके हैं और ये सूखेंगे नहीं, कल भी नहीं सूखेंगे। मौसम देखो कैसा है, ऐसे मौसम में तो बिल्कुल नहीं सूखेंगे। तो एक दूसरे वाले शूज है ब्लैक कलर के, वो पहनूंगा, और कुछ अलग कपड़े पहनूंगा जो मैंने पिछले कल पहने थे, वो नहीं धोए ना, वो स्वेटर तो नहीं ना धोई है नई वाली। हाँ तो फिर शिवरात्रि आने वाले, शिवरात्रि की छुट्टी में वापिस आ जाऊंगा। मम्मी जी तैयार हो रहा हूँ मैं। वो तो गाइस हो चुका हूँ मैं तैयार, अब चलते हैं। एक लास्ट बार सबको बाय करते हैं फिर निकलते हैं। ठीक है भाई जी, मिलते हैं। ठीक है फिर। ओके मैन, सी यू। नहीं आ रहा, चलते हैं अब, हो गया हूँ तैयार। तब तू जा रहा है? ठीक है जा रहा हूँ। ठीक है भाई, मैं चाहता था एटलीस्ट मैं एक दो दिन घर पे ही रुकूं, बट इस मौसम को नहीं है ये गवारा, तो अब चलना ही पड़ेगा भाई, देयर इज नो अदर चॉइस। अरे बाप रे, देखो जरा इस लैंडस्लाइड को कितना ज्यादा हो गया, ये पूरा पहाड़ ही आ रहा है ये टॉप से, मेरे को लगता है देखो ऐसे गिरते रहते हैं यहाँ से, देखो जैसे ये गिर रहा है ना बस ऐसे, और ये पत्थर तो फिर भी छोटा था जो गिरा अभी। इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें गिरती है ना यहाँ से, पानी निकल रहा है ना यहाँ से, दिख रहा होगा आपको, इस पानी की वजह से जो इस मिट्टी का होल्ड है वो वीक हो गया ना। और मेरे को लगता है दोस्तों ये वाला जो लैंडस्लाइड है ना, ये कभी रुकने नहीं वाला, ये होता ही रहेगा, और हर बार यहाँ पे ना बरसात के टाइम पे खतरा बना रहेगा इस लैंडस्लाइड का। हालांकि मेरे होमस्टे से, मेरे घर से तो ये दूर है, वहाँ पे तो कोई खतरा नहीं है, बट इसकी साउंड जरूर आती है वहाँ पे जब यहाँ से लैंडस्लाइड होता है। अभी मैं उस लैंडस्लाइड वाली जगह से थोड़ा आगे आ चुका हूँ, और यहाँ देखो यहाँ पे भी सेम है। तो भाई कहने का मतलब ये है कि पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं ना, उतना यहाँ पे खतरा भी बना रहता है लैंडस्लाइड वगैरह का, खास करके बरसात के दिनों में अवॉइड करना चाहिए वैसे तो, मतलब ट्रैवलिंग एंड ऑल। यही रीजन है कि मैं आज निकल रहा हूँ, क्योंकि आज इतनी ज्यादा बरसात नहीं, आप देख सकते अभी बारिश नहीं हो रही है, क्या पता कल को क्या हो जाए, क्योंकि 3 दिन की बरसात बताई हुई है ना वेदर फोरकास्ट वालों ने, क्या पता तीसरे दिन ही घमासान हो सबसे ज्यादा। ओ भाई इसको कैसे करूंगा क्रॉस में। अब दोस्तों मेरा पता क्या है, नेवर गिव अप एटीट्यूड है अपना। अब देखो आप बियर ग्रिल्स संजय चौहान कैसे चलता है। ओ भाई ये पानी यहाँ कहाँ से रहा है भाई, झरना बन गया है भाई यहाँ। यहाँ देखो भाई बरसात के पानी से वाटरफॉल बन गया है छोटा सा, हालांकि ये तो बस बरसात के पानी से बना हुआ है, जैसे ये बरसात वाला मौसम साफ हो जाएगा ना ये सूख जाएगा। पानी भी मतलब साफ नहीं है, ये बरसात का पानी है तो आप समझ सकते हैं, मतलब साफ नहीं है, ऊपर से मिट्टी वगैरह से आ रहा है ना कहीं से, तो बिल्कुल ब्राउन पानी आ रहा है, और इस पानी ने ना यहाँ से वहां आगे तक पूरा रोड भर दिया है, और इस टेम्परेरी वाटरफॉल के सामने ये लैंडस्लाइड हो गया है, यहाँ से पूरी ये सड़क चली गई है। बरसात के टाइम पे किसी भी एक पहाड़ी विलेज में ना, और उसके आसपास की सड़कों में कुछ इस तरह का माहौल होना बहुत ही ज्यादा कॉमन है,
कि कहीं से कभी रोड टूट रहा है, कहीं से कभी लैंडस्लाइड की आवाज आ रही है, मतलब समझ रहे हो ना। लेकिन ऐसा है कि इससे कभी किसी को नुकसान नहीं होता, क्योंकि ऐसे में रहने की आदत होती है पहाड़ी लोगों को, उनको पता होता है कि खुद की सेफ्टी के लिए कहाँ जाना चाहिए, क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए, सब कुछ। यहाँ देखिए गाइस, ओह माय गॉड, यहाँ से कोई गया ना वो चला जाएगा। फिर ये सारी जो भी आप तबाही का मंजर जैसा लग रहा है ना, ये तब का है जब यहाँ पे बहुत ही खतरनाक वाला फ्लड आया था ना, आप सबने तो देखा ही होगा वो। भाई जरा इस मौसम के मूड स्विंग्स तो देखो, देख रहे हो। इस मौसम को तब तक ही बरसना था जब तक कि मैं गीला ना हो जाऊं। अब जब मेरे को इसने भिखा दिया है, अब साफ होने लगा है। वाह, क्या नाम है आपका, बात करती है, एक डर क्यों रही है? हेलो हेलो करो, हेलो हेलो करो, हेलो तो करो। यहाँ देखो बड़ी दीदी भी करती है हेलो करो। यहाँ देखो आप भी करते हो ना, देखो करो। हाँ गुड, क्या नाम है आपका? चांदनी। अरे वाह, तीनों बहनें। चलो ठीक है, बाय 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 बाय। मैं क्या इतना डर आपने लगता हूँ कि बच्चे डरते हैं? देखो कितने सारे पैसेंजर बैठा दिए इसने आते आते ही। भाई जी बड़ा औसम लग रहा इस स्वेटर में। नए कपड़े में लगता हूँ, पुराने कपड़े में लगता हूँ, वैसे तो सारे काले बादल हट गए। तो भाई पहले तो मतलब मैं जाने वाला था मतलब किसी और ही व्हीकल में, बस में या गाड़ी जो भी मिल जाती, पर कुछ मिला ही नहीं। फिर भाई जी ने कॉल की मेरे को, बोला मिला कुछ? मैंने बोला नहीं मिला। बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ तो छोड़ने। तो फिर भाई जी आ गया। खुशी नहीं होती तेरे को? खुशी नहीं होती तेरे को? किस बात की? मतलब लोग बोलते हैं तू और मैं दिखते हैं एक जैसे। भाई क्या बढ़िया व्यू आ रहा है देखो वाला। अरे ये पानी की वजह से नहीं वो दिख ही रहे वो बादल अच्छे से ना, पर भाई बहुत ही अमेजिंग लग रहा है सच बता रहा हूँ। एक चीज जो आपने देखा होगा, पहले यहाँ बैठे हुए थे वो उतर गए रास्ते में थोड़ा सा आगे, वो कहाँ मिले तेरे को? वो मिले रास्ते में, बारिश लगी थी ना, तब मैंने सोचा बिठा लेते हैं उनको, बारिश में कहाँ जाएंगे वो। देखो कितना भला आदमी है, कितना भला आदमी है मेरा भाई यार। बहुत प्राउड फील होता है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है यार, सबको आती नहीं मेरी जाति भी। चलो दोस्तों अब बस यहाँ पे बस लगी हुई है बाहर, भाई जी से विदा लेते हैं। ठीक है भाई जी, ठीक है भाई, मिलते हैं अब। जाई तो फिर अच्छे से, ठीक है, जल्दी आई वापस, पर जाई ना तो मेरे ख्याल से तो। नहीं नहीं यार जाना क्लासेस है जरूरी। ठीक है भाई जी। तो भाई ये लग गई बस, शाम को पहुंचा हूँ, पूरे रात को बिजू भाई और अभय भाई लेने आए हैं मेरे को, आप देख सकते हैं। अभय भाई अभी यहाँ से ट्रिप हो गए थे। तो चलो अब चलते हैं रूम की तरफ। हम फाइनली अपने फ्लैट पहुंच गया हूँ, कई दिनों से आराम ही नहीं किया मैंने, मतलब कंटिन्यू ट्रैवल लगातार ट्रैवल ही कर रहा हूँ, और अभी मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, तो मैंने अपने भाइयों को बताया कि मेरे को भूख लगी हुई है। तो अब मेरे भाई लोग मेरे लिए पराठे बना रहे हैं अभी, क्योंकि पराठे का सामान सुबह बना रखा था इन्होंने, जो जो भी पराठे में पड़ता है, तो अभी जल्दी से बस यही बना सकते थे। तो भाई बहुत अच्छे भाई है मेरे। तो अब मंडे को मेरी क्लासेस है, तो क्लासेस भी रेगुलरली अटेंड करनी है। तो मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसके अलावा जो मेरी पढ़ाई है, ये सब चीज़ें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर मैं कर रहा हूँ। अब ऐसा है कि मेहनत के बिना कुछ भी आप हासिल नहीं कर सकते लाइफ में, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म में आप काम कर रहे हो। और मेरे को सक्सेस चाहिए यूट्यूब पे भी, अपने स्टडीज़ में जो मेरा करियर बनेगा उसके लिए भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो रुकना नहीं है, बस मेहनत करनी है, एंड आई एम श्योर कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे। जितना मैं मेहनत करूँगा उतना ही आप लोग सपोर्ट भी करोगे, आई नो। और इन चीज़ों को मैनेज करते करते ना मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका हूँ। अब आप खुद ही देखो, पिछले ब्लॉग में मैं घर गया था और उसी के अगले दिन वापस आ गया, और यहाँ से मेरा घर 170 किलोमीटर है। तो एक दिन में मैं 170 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ, दूसरे दिन वापस आके फिर से 170 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ हो गई है यार। एनीवेज तो ये था आज का ब्लॉग। आपको आज का ब्लॉग देखकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।